नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको 10 ऐसे पॉइंट बताने वाले हैं जो कि घर बनाते समय आपको जरूर से जरूर ध्यान देना चाहिए। यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका घर कमजोर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। घर के फाउंडेशन की गहराई कम रखने से बहुत सारे घर गिर जाते हैं। ऐसे में यदि आप ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर इस ऊंचाई का घर बना रहे हैं तो आपको घर का फाउंडेशन ग्राउंड लेवल से 3.5 फीट से लेकर 4 फीट के बीच रखना चाहिए। और यदि हम प्लिंथ लेवल से बात करें तो प्लिंथ लेवल से फाउंडेशन की जो गहराई है वो 5 से 6 फीट होनी चाहिए। यदि आप एक नॉर्मल रेजिडेंशियल घर बना रहे हैं ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर इस ऊंचाई का। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन को मजबूत बनाने के लिए फाउंडेशन में कुछ इस तरीके से स्टील यानी कि सरिया लगाया जाता है। बट स्टील यानी कि सरिये को सुरक्षित रखने के लिए स्टील के नीचे फाउंडेशन में कुछ इस तरीके से कवर ब्लॉक लगाया जाता है। तो आप भी फाउंडेशन बनाते समय फाउंडेशन के सरिये के नीचे यानी कि स्टील के नीचे कुछ इस तरीके से 75 mm या फिर 50 mm का कवर ब्लॉक जरूर से जरूर लगाइए, जिससे आपकी जो स्टील है वो हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। थर्ड नंबर पॉइंट की बात करें, यदि आप ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर इस ऊंचाई का घर बना रहे हैं तो कॉलम में आप कुछ इस तरीके से 12 mm की 4 स्टील बार का यूज करेंगे। और इसके साथ साथ यदि आप ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर इस ऊंचाई का घर बना रहे हैं तो कॉलम में आपको कुछ इस तरीके से 6 स्टील बार का यूज करना चाहिए। फोर्थ नंबर पॉइंट की बात करें तो घर के बाहर की चारों तरफ की जो दीवार होती है उसको 9 इंच मोटाई में आपको बनाना चाहिए, जो कि घर की सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 4 इंच की दीवार को तोड़ना बहुत ही आसान होता है। और इसके साथ साथ 4 इंच की दीवार में क्रैकिंग बहुत आती है और मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा आते हैं। इससे में घर के बाहर की चारों तरफ की दीवार आपको 9 इंच से कम नहीं बनानी चाहिए। 5 नंबर पॉइंट की बात करें तो डोर और विंडो लगाते समय कुछ इस तरीके से प्लम बॉब यानी कि साहुल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि दीवार में डोर विंडो यानी कि दरवाजा खिड़की टेढ़ी लगेगी तो वाल में क्रैकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि वाल में जो दरारें आती हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में डोर और विंडो को बिल्कुल सीधा लगाने के लिए डोर और विंडो लगाते समय कुछ इस तरीके से आपको प्लम बॉब का यूज करना चाहिए। 6 नंबर पॉइंट की बात करें तो कुछ इस तरीके से किचन का प्लेटफॉर्म बनाते समय प्लेटफॉर्म की जो चौड़ाई है वो आपको 60 सेंटीमीटर यानी कि अप्रॉक्स 2 फीट के आसपास रखना चाहिए। 7 नंबर पॉइंट की बात करें तो घर बनाते समय पूरे घर की जो हाइट है यानी कि घर की जो ऊंचाई है वो आपको 10 फीट से कम नहीं रखनी चाहिए। बहुत सारे लोग प्रेजेंट टाइम में घर बनाते समय घर की जो ऊंचाई है वो 8 फीट या फिर 9 फीट रखते हैं, जो कि गलत है। अब घर बनाते समय कभी भी घर की जो ऊंचाई है वो 10 फीट से कम मत रखिए। 8 नंबर पॉइंट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम और वाल के जॉइंट पर यानी कि कॉलम और वाल जहाँ पर एक दूसरे से टच होते हैं, जुड़ते हैं, वहाँ पर क्रैकिंग आ गई है। तो कॉलम और वाल के जॉइंट पर कुछ इस तरीके से क्रैकिंग ना आए, इसके लिए कॉलम और वाल को जोड़ने से पहले कॉलम में कुछ इस तरीके से टिकाई कर लेनी चाहिए, यानी कि कॉलम को बहुत थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लेना चाहिए, कॉलम को रफ कर लेना चाहिए। यदि आप कॉलम और वाल के जॉइंट पर कुछ इस तरीके से रफ कर लेंगे तो कॉलम और वाल के जॉइंट पर कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्रैकिंग नहीं आएगी। 8 नंबर पॉइंट की बात करें तो कॉलम में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से रिंग लगाई जाती है। तो यदि आप ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर इस ऊंचाई का रेजिडेंशियल यानी कि रहने के लिए घर बना रहे हैं तो कॉलम में कुछ इस तरीके से जो रिंग लगती है, एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की जो दूरी है वो आपको 6 इंच यानी कि अप्रॉक्स 15.24 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। 10th नंबर पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बीम और कॉलम में कुछ इस तरीके से रिंग लगाई जाती है, जिसको हम टाई या फिर स्टीरअप बोलते हैं। और इस टाई में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से एक हुक होता है, तो इस हुक की जो लंबाई है यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, इस हुक की जो टोटल लंबाई है वो 75 mm से कम नहीं होनी चाहिए। इंटरव्यू के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा।
सो उम्मीद है आपको प्रैक्टिकल तरीके से बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि घर बनाते समय कौन से 10 पॉइंट का ध्यान हमें जरूर से जरूर देना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।